ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इससे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड ऑकर्स, टाइम एट विच मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट ऑकर्स इज। अच्छा, तो अगर ये सेटअप है, स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है और हमने उसको एक्स अमाउंट डिस्प्लेस किया है, तो जो अगर SHM एग्जीक्यूट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, तो ये एक एक्सट्रीम हो गया है, ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया है। तो बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन ना, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। नाउ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जा रहा है। तो अभी अगर आप देखो एक्स की इक्वेशन जो दे रही है यहाँ पे, 2 × 10⁻²⁻²⁻ कॉस ऑफ पाई टी, अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ 2 × 10⁻²⁻² मीटर्स में, साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई टू, पाई टी प्लस पाई बाई टू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कॉस पाई, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो अगर ये वाला इक्वेशन मैं लिखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स कहाँ पर है? एक्स 2 × 10⁻²⁻², मतलब इसके एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन पे है। तो अगर अगर ये इसका मीन पोजीशन है एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एंड ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है ए, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ए, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो जो आपका ब्लॉक है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है टी इक्वल्स टू जीरो। तो आपको ये टाइम बताना है जब वेलोसिटी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कब होगा। तो वेलोसिटी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम तब होगा जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तब वो मीन पोजीशन पे आएगा। और मीन पोजीशन से, एक एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने का टाइम कितना हो जाता है? अगर ये प्रॉपर टोटल टाइम पीरियड इस SHM का टी है, तो एक एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने का टाइम पीरियड T/4 हो जाता है। तो ये T/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बता सकते हो टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना है। यहाँ पे आप देखो टी का कोएफिशिएंट पाई है, टी का कोएफिशिएंट पाई है, तो ओमेगा टी, बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है, तो यहाँ पे देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 2π/t। तो मैं क्या कहूँगा, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड के बराबर है और आपको एक एक्सट्रीम से इसके मीन पोजीशन तक आने का T/4, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड लगता है, तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा? टोटल जो रिक्वायर्ड टाइम है फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, आपको जो टाइम है वो 0.25 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। T/4 क्यों है अगर वो भी सवाल है तो देख लो। ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से घूमकर फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्ट बैक कर जाएगा। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 4 पाथ्स वो कवर कर रहा है इक्वल टाइम पे। सो टोटल टाइम पीरियड डिवाइड बाई 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये 2.5 सेकेंड्स आंसर है, कहाँ गया देखो, 2.5, 0.25 सेकेंड्स आंसर है इसका। ऑलराइट।